गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इंस्पायरिंग एग्रीकॉन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस क्लास में आप सभी का जो है तहे दिल से मैं स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है फर्स्ट ईयर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की, जहां पे हम टिलेज, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, टिल्थ क्या होता है, ठीक है, टिलेज के ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं, और क्लासिफिकेशन इसके डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं टिलेज के। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपटीशन की, बात करते हैं एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं, तो उसके लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। तो इसलिए आपको बिल्कुल क्लास एंड तक देखनी और नोट्स आपको साथ में बनाते जाना है। ये हमारी एग्रोनॉमी की बीएससी एग्रीकल्चर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी की 7th क्लास है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 6 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने जो है एग्रोनॉमी फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी क्लासेस का लिंक दे दिया है, उसमें जाके आप सभी को सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और सॉयल साइंस का जो है बिल्कुल फंडामेंटल ऑफ सॉयल साइंस, उसका भी जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है प्लेलिस्ट का, जाके देख लीजिएगा क्लासेस का, जो है आप सभी बिल्कुल आनंद उठा सकते हैं और अपने आपके जो है कंसेप्ट बिल्कुल आप अच्छे से क्लियर करके एग्जामिनेशन में जो है अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं इन क्लासेस को फॉलो करके। और बाकी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे, ज्वाइन हो जाएगा, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है। और बाकी अगर आप चाहते हो भाई कि आपको सभी क्लासेस चाहिए एग्रीकल्चर की फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर की आपको कंप्लीट क्लासेस, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, तो डेली बेसिस पे देखो लाइव क्लासेस, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस, गाइडेंस, कंप्लीट आपको इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ऐप के अंदर आपको मिलती है। आपको प्ले स्टोर से अभी जाके क्या करना है, इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ऐप आपको प्ले स्टोर से जाके आपको डाउनलोड कर देनी है। वहां पे कंप्लीट बैच आपको फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर का हो जाएगा, ताकि आपके सेमेस्टर के एग्जामिनेशन की परेशानी खत्म हो जाएगी और साथ में कंपटीशन की भी आपकी साथ में तैयारी आपकी हो जाएगी। तो जल्दी से जाइएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी इस नंबर पे आप जो है 8219842911 दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हो, आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कोर्स के अभी के लिए प्राइस है 2000 रुपीज है, ठीक है, फिर आप 3000 अभी के लिए, तो कोर्स का फिर आपका जो है 5000 का आपका होने वाला है। तो जल्दी से जाके आप कोर्स को जो है परचेज कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से डिस्कशन करते हैं आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट आज का जो है लेक्चर है, वो है हमारा टिलेज के ऊपर। क्या है जी टिलेज के, हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट से देखो आपको सभी को क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट कंसेप्ट को समझने की कोशिश आपको देखो करनी है, ठीक है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश आपको करनी है। चलिए टिलेज एंड टिल्थ क्या है जी, टिलेज एंड टिल्थ। चलिए समय का वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट से जो है शुरू करते हैं। चलिए अगर हम बात करें, देखो यहां पे आपको कुछ इस तरह का आपको जो है डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करें, देखो अगर हमने क्या करना हो, किसी भी सीड को हमने बीजना हो, किसी भी बीज को बीजना हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा बीज है, क्या है जी मेरा ये बीज है, सीड है। अब मुझे क्या करना है, इस सीड को मुझे बीजना है। अब ये सीड मैंने कहां पे बीजना है, ये मान के चलो ये सॉइल का सरफेस है। अब क्या होगा कि इस सीड को बीजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ताकि ये प्रॉपर जर्मिनेट हो पाए, तो मुझे इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा सॉइल के अंदर पे, मुझे इसको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इसको उसकी शोइंग कहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है, सॉइल के मिट्टी के अंदर में करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी जर्मिनेशन के लिए मैं इसको कहां पे बीजूंगा, इसको मिट्टी के अंदर बीजूंगा, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मिट्टी को जो है सॉइल को इन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे मिट्टी को पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे पलटना पड़ेगा, मुझे इन्वर्ट करना पड़ेगा सॉइल को, ठीक है। तो मैं इसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्लोइंग। क्या कहेंगे, प्लोइंग कहेंगे। अगर मैं प्लोइंग की बात करूं, ठीक है, मैं प्लोइंग की बात करूं, प्लोइंग में क्या किया जाएगा, जो हमारा हार्ड पैन सॉइल का है, जो हमारी हार्ड सॉइल है, उसको हम क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लोइंग। अगर मैं प्लोइंग की बात करूं, तो प्लोइंग आप किसकी सहायता से करते हो, प्लो की सहायता से करते हो। किसकी सहायता से करते हो, प्लो की सहायता से करते हो। प्लोइंग से क्या होगा, हम जो है बिल्कुल जो हमारी सॉइल है, जो हार्ड पैन है, उसको हम आराम से जो है ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम प्लो की बात करते हैं, हम कौन कौन से प्लो हम यूज कर सकते हैं,
तो आपका जो है एमबी प्लो हो गया, कौन सा माउंट बोल्ट प्लो आपका हो गया, ठीक है, आपका कंट्री प्लो हो गया, ठीक है। हम जो है यूज क्या कर सकते हैं, कंट्री प्लो का डिस्क प्लो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लो हम प्लोइंग के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे हम बिल्कुल जो है सॉइल को क्या करेंगे, हम जो है आसानी से जो है हम बीज को इसमें बीज पाएंगे। और उसके बाद प्लोइंग करने के बाद मुझे क्या करना है, प्लोइंग करने के बाद उसमें हो सकता है क्लाउड जो है क्लाउड उसमें आ जाए, आपके ढेले मिट्टी के ढेले हो जाए, तो मुझे उनको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मेरी अनअंडुलेटिंग सॉइल हो, ठीक है, उबड़ खाबड़ जमीन हो, तो मुझे उसको भी क्या करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। लेबल किसकी हेल्प से करूंगा, मैं लेबलर की हेल्प से करूंगा, ठीक है, लेबल सॉइल को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हो सकता है मुझे सीड बेड बनाने पड़े, सीड बेड प्रिपेयर करने पड़े, तो मुझे सीड बेड भी बनाने हैं। तो जितने भी ये आपके काम हो रहे हैं मिट्टी में, जितने भी आपके काम हो रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, टिलेज कहेंगे। क्या कहेंगे जी, टिलेज कहा जाएगा। सिंपल सा मतलब है कि टिलेज क्या होता है, हमने यहाँ पे डिस्कस, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक टर्म आपकी टिल्थ है, कि व्हाट इज टिल्थ, व्हाट डू यू मीन बाय टिल्थ, आप टिल्थ से क्या समझते हो। देखिए अगर हम टिल्थ की बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो, अगर हमने बात की यहाँ पे, जब मैंने सॉयल को पलटा, मैंने सॉयल का क्या क्या इन्वर्ट किया, तो मेरा सॉयल पे क्या इफेक्ट पड़ा, सॉयल पे क्या इफेक्ट पड़ा, जो मेरी सॉयल की जो फिजिकल कंडीशन थी, क्या थी, जो मेरी फिजिकल कंडीशन सॉइल की थी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी मेरी सॉइल की है, वो मेरी क्या हुई, उस पर मेरी क्या हुआ, चेंज हुआ, क्या हुआ, चेंज हुआ। अब यहाँ पे टिलेज को करने से, टिलेज को करने से जो मेरी सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन है, उसमें क्या चेंज हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, उसको बोलते हैं टिल्थ। क्या बोलते हैं जी, टिल्थ उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टिल्थ बोला जाता है। मेरे अगर मैं टिलेज कर रहा हूं, टिलेज से क्या जो है आपका क्या चेंज आ रहा है सॉइल में, उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको टिल्थ बोलेंगे। इतना सा क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे मेन, उसमें अभी डे वन बाय वन हम इसको टिलेज और टिल्थ को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर हम बात करते हैं टिलेज की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ध्यान आप सभी को देना है। टिलेज इज ए फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग प्रैक्टिस दैट हेल्प टू प्रिपेयर द सॉइल। यहां पे हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए करते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए, ताकि हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है वो हमारी अच्छे से हो जाए। टिलेज कैन बी डन विद ए ट्रैक्टर, हम ट्रैक्टर की मदद से टिलेज कर सकते हैं, या फिर हम कोई इंप्लीमेंट भी हम यूज करते हैं जिसको हम हैरो बोलते हैं, हम टूल्स भी यूज कर सकते हैं जिसको हम डिस्क प्लो बोलते हैं, ठीक है। टिलेज इज यूज्ड टू टर्न ओवर द सॉइल सरफेस, हम टिल्ले से क्या करते हैं, सॉइल सरफेस को टर्न ओवर, जैसा मैंने कहा कि पलटते हैं, जैसे यहाँ पे पलटना जा रहा है सॉइल को, ठीक है, ब्रेक क्या जाएगा, सॉइल के क्लॉड्स को, क्लॉड्स आपके ढेले मिट्टी के हैं, इनको हम ब्रेक करेंगे टिल्ले से, और साथ में रिमूव बीड्स, जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स है, जो अनचाहे ऐसे प्लांट्स आपके खेत में है जिनको हमने नहीं चाहा हो, आपके घास वगैरह, उसको हम जो रिमूव करेंगे, जो हमारे पिछली क्रॉप के रेसिड्यूज होंगे, ठीक है, उनको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो मेक्स इट इजियर फॉर रेन एंड इरिगेशन, ताकि हमारी सॉइल बिल्कुल इजी हो जाए, वहां पे रेन उसमें इजी से हमारी जो है वहां पे आपकी वॉटर होल्डिंग होल्ड आपका हो जाए, और इरिगेशन को हम अच्छे से वहां पे दे पाए, ताकि हमारी प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अच्छे से जो पेनिट्रेट कर पाए सॉइल के अंदर में, ताकि न्यूट्रिएंट्स प्लांट को अच्छे से मिले, और साथ में जो है वॉटर को अब्सॉर्ब जो है प्लांट अच्छे से कर पाए, तब हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं, ठीक है। इतना सा आपको समझ आ गया होगा कि टिलेज में हम क्या क्या चीजें करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपकी एक डेफिनेशन और यहाँ पे लिखी गई है, देखो यहाँ पे डायग्राम पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखो आपकी हार्ड सॉइल थी, इस हार्ड सॉइल को बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लूज किया जा रहा है। हम कैसे लूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लोइंग से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, प्लोइंग यहाँ पे कर रहे हैं, प्लोइंग के लिए यहाँ पे हम जो है प्लो का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपका टिलेज की जा रही है, यानी कि प्लोइंग की जा रही है। प्लोइंग किसका टाइप है, टिलेज का है, जहां पे हम सॉइल को लूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लॉड्स आपको देखने को मिलेंगे, क्लॉड्स को हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि हम क्लॉड्स को, अगर बात क्लॉड्स की बात करें, प्लोइंग की बात करें, हम लेबलिंग की बात करें, इसके टिलेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसमें बात करेंगे। एनीवन फ्रॉम स्क्वाड्स कश्मीर, पता नहीं कौन होगा भाई, बता दो भाई कौन स्क्वाड्स कश्मीर से है। टिलेज की बात करेंगे, द मैनिपुलेशन, यहाँ पे मिट्टी को पलटा जाएगा, ऑफ सॉइल्स, मिट्टी को पलटा जाएगा किसकी सहायता से भाई, टूल्स और इंप्लीमेंट की सहायता से मिट्टी को पलटने की कोशिश यहाँ पे करेंगे,
और बिल्कुल सॉयल को हम लूज करेंगे, हल्का करेंगे सॉयल को, लूज करेंगे ताकि हम वहां पे क्या कर पाए, हम क्रॉप को वहां पे कल्टीवेट कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं टिलेज करते हैं, ठीक है, और ताकि जो है फेवरेबल कंडीशन हम सीड की जर्मिनेशन के लिए और क्रॉप की ग्रोथ के लिए वहां पे प्रोवाइड कर पाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको टिलेज कहेंगे। टिलेज की डेफिनेशन आप सभी को क्लियर होगी, व्हाट डू यू मीन बाय टिलेज, आप क्या समझते हो, व्हाट इज टिलेज, डिफाइन द टर्म टिलेज, टिलेज क्या है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। चलो चलो चलो, इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या है टिलेज, हम करते क्यों है टिलेज, अब वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझना कि हम टिलेज करते क्यों है, क्या उद्देश्य, क्या एम है इसका। देखो आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होता है, हम टिलेज करें कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट इसके होंगे, कुछ ना कुछ तो फायदे इसके होंगे, तो क्या क्या फायदे। देखो टिलेज क्या करती है, टू मेक दी सॉइल लूज एंड पोरस, आपकी सॉइल को सबसे पहले हार्ड सॉइल को लूज करेगी, सॉइल को करेगी लूज करेगी, हल्का करेगी उसको, और साथ में पोरस यानी कि उसमें पोर्स आपके जो है बनेंगे। अगर हम पोर्स की बात करें, सॉइल में दो तरह के पोर्स होते हैं, कैसे कौन कौन से, मैक्रोपोर और आपके माइक्रोपोर, ठीक है। हम मैक्रोपोर की बात करते हैं, माइक्रोपोर की बात करते हैं, दोनों के बारे में अभी आगे जाके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा कई बार ये जाता है कि मैक्रोपोर में आपका पानी पाया जाता है कि आपका एयर पाई जाती है, या फिर माइक्रोपोर में वॉटर होता है कि आपका एयर होता है, एयर कहाँ होती है, वॉटर आपका कहाँ पे होता है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ में आगे भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए उसके साथ में हम वीड्स को रिमूव करने के लिए, हमने खरपतवार, किसको, खरपतवार को हमने हटाना हो, हमने अनवांटेड जो प्लांट्स है उनको हमने हटाना हो, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टिलेज, हम क्या करेंगे, हमें टिलेज उसके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टू मिक्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अगर हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर को मिक्स करना है तो टिलेज के द्वारा आसानी से मिक्स कर सकते हैं। देखो अगर हम टिलेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, नंबर एक हमारी मिट्टी जो है लूज नहीं होगी, वहां पे डिफिकल्टी होगी, वहां पे डिफिकल्टी किस बात को लेके होगी, हम वहां पे अच्छे से जो है सीड को शोइंग नहीं कर पाएंगे, सीड बीज को नहीं बीज पाएंगे अच्छे से, अगर बीज भी लिया बाय चांस उसके बाद उसकी रूट्स हमारी पेनिट्रेट अच्छे से नहीं कर पाएगी, सॉयल का मॉइस्चर हमारा नहीं होगा, कंजर्व नहीं हो पाएगा, रूट्स हमारी पेनिट्रेट नहीं होगी, प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा, और हमारे पोर्स, अगर वहां पे पोर्स हमारे क्या होंगे, वहां पे पोर हमारे सॉइल में पोर बंद हो गए तो वहां पे एयर का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, एयर हमारी नहीं जा पाएगी, किसमें, सॉइल में, अगर सॉइल में एयर नहीं होगी तो क्या होगा, जो हमारा प्लांट है उसमें रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी बिना एयर के, आप सभी को पता है रूट्स में आपकी जो है एयर की बहुत जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए, तो वो आपकी नहीं मिल पाएगी, एयर आपकी नहीं मिल पाएगी, पानी आपका अच्छे से नहीं जा पाएगा पौधे में, तो वहां पे ग्रोथ मर जाएगी। अगर देखो हमने टिलेज नहीं की तो बीड्स, घास वगैरह हमारी उसमें उग जाएगा, तो न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करेंगे, आपका न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करेंगे, आपका न्यूट्रिएंट्स के लिए वो आपका कंपटीशन करेंगे, ठीक है। अगर देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर हमने अप्लाई कर दिया, टिलेज ही नहीं किया, हम मैन्योर अप्लाई कर रहे हैं फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजर अप्लाई कर दिया बारिश आ गई तो बारिश के साथ बह जाएगा वो फर्टिलाइजर, नुकसान होगा ना, मैन्योर ऐसा ही होगा आपका, मिक्स नहीं हो पाएगा मैन्योर आपका, उसके ऊपर ऐसे ही सूख जाएगा आपका सूरज की रोशनी से, ठीक है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, टिलेज के लिए करनी चाहिए, टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट एंड देयर एग्स, जो देखो कुछ मिट्टी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनके एग होते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट के लिए वो खतरा, खतरे का की घंटी होती है, क्या होती है, खतरे की घंटी होती है। अब देखो अगर इंसेक्ट की बात करें और इसके एग्स की बात करें, एग से फिर सब इंसेक्ट बन जाएगा, ठीक है, ये क्या करते हैं आपके जो है नुकसान पहुंचाते हैं किसके लिए, प्लांट में डिजीज वगैरह के कारण हो जाती है, तो इनके लिए, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें टिलेज करनी पड़ेगी। इससे क्या हुआ, एरिएट दी सॉइल, हम प्रॉपर जो एयर, जो हवा है, जो एयर है वो प्रॉपर तरीके से हमारे सॉइल में जाएगी, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ होगी। टू इंक्रीज दी सॉइल टेम्परेचर, सॉइल का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम टिलेज करते हैं, सॉइल को के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, टिलेज करते हैं, ठीक है। टू रिमूव स्टबल्स, स्टबल्स को अगर हमने रिमूव करना हो, जो हमारे प्रीवियस क्रॉप के रोज रेसिड्यूज है, हमने पहले कोई भी क्रॉप लगा के कोई फसल उगाई हुई है उसके हमें रेसिड्यू जो है वहां पे कोई अवांछित पौधे हैं वो हमें हटाने हैं, तो हम टिलेज करते हैं। टू ब्रेक हार्ड पैन, बिग स्टोन, जो बड़े बड़े स्टोन हार्ड पैन है उनको ब्रेक करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं। नेक्स्ट बात करें टू इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनिक मैन्योर्स, हमने इन ऑर्गेनिक मैन्योर्स को हमने क्या करना हो, ऑर्गेनिक मैन्योर को हमने उसमें कॉर्पोरेट यानी कि उसमें हमने डालना हो, मिक्स करना हो, तो हम टिलेज करते हैं। टू हैव रिपीटेड एक्सचेंज ऑफ एयर और गैसेज, यानी कि एयर और गैसेज का एक्सचेंज आपका आराम से होगा अगर हम क्या करेंगे, आपका जो है टिलेज करेंगे, क्या करेंगे, टिलेज करेंगे।
अब यहां पे देखो, हमने अभी के लिए बात क्या की, हम यहां पे ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पे ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। तो आप सभी से क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन क्या है आप सभी से कि अगर हम बात करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, अगर हम टिलेज करते हैं, क्वेश्चन देखो एग्जामिनर क्या पूछता है कि अगर हम टिलेज करते हैं, टिलेज से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा जो अभी है लाइव में, ठीक है, अगर कोई है लाइव में तो बताने की कोशिश करिएगा कि अगर हम टिलेज करते हैं, टिलेज से जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे आपका टिलेज से क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से बताइएगा भाई। मैं हूं भाई कश्मीर से, तो भाई वहां ही रहा आराम से भाई, स्नो हो रहा है वहां आराम से नहीं रह सकता। अच्छा स्नो हो रहा है, हैप्पी स्नोफॉल आपको कश्मीर में स्नो हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में स्नो हो रहा है तो हैप्पी स्नोफॉल भाई, अभी हमारे तो यहाँ पे नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे स्नो आपका नहीं हुआ। चलिए, हमने अभी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात की, किसकी बात की, हमने यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात की। अगर हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो आप सभी को ध्यान देना है कि वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी हमारी है सॉइल की, वो क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखिए अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें, इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा टिलेज का, तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि पानी को होल्ड वो आराम से हमारी सॉइल कर पाएगी अगर हम क्या करेंगे, टिलेज करेंगे। देखिए हमने डेफिनेशन पे कहा कि अगर हम टिलेज करते हैं तो उससे क्या होता है कि सॉइल की फिजिकल कंडीशन पे चेंज होता है, यानी कि सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, अगर क्या होगा हम जो है टिलेज करेंगे। अब इसके बाद देखो बेस्ट एग्जांपल देखो आप सभी के लिए यहां पे, जहां से क्वेश्चंस आते भी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए इस डायग्राम पे यहां पे आइएगा, देखिए अगर आपको यहां पे, अगर हम बात करें किसकी बात करें, अगर हम क्ले सॉइल की बात करते हैं, किस किस बात करते हैं, अगर हम क्ले सॉइल की बात करते हैं तो यहां पे क्ले सॉइल में क्या होता है कि स्मॉल आपके स्मॉल सॉइल पार्टिकल, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स आपके यहां पे पाए जाते हैं, क्या होते हैं आपके छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स आपके कहां पे होते हैं, आपके क्ले सॉइल में होते हैं। देखिए बहुत स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, क्ले में होते हैं। आपके स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स होने के कारण यहां पे क्या होता है कि लार्जर सरफेस एरिया फॉर वाटर अकुमुलेट, पानी को अकुमुलेट करने के लिए सरफेस एरिया क्या हो जाता है आपका, लार्ज, यानी कि बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो यहां पे सरफेस एरिया क्या है आपका, बिल्कुल लार्ज, बड़ा हो रहा है, किसके लिए, पानी को अकुमुलेट करने के लिए सरफेस एरिया यहां पे क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया। ठीक है, अगर आपका सरफेस एरिया पानी को अकुमुलेट करने के लिए ज्यादा हो जाए तो मतलब इसका क्या होगा, हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होगी, क्ले सॉइल की होगी। क्ले सॉइल की बात करते हैं तो क्ले सॉइल की क्या होती है, सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन सी सॉइल की होती है आपकी, क्ले सॉइल की होती है। ये क्वेश्चन कई बार जो कंपटीशन में पूछा गया है कि सॉइल की बात करें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन सी सॉइल की सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है आपकी इसकी क्ले सॉइल की होती है। अगर आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी क्ले सॉइल की ज्यादा हो रही है तो यहां पे क्या होगा आपका, लिस्ट वाटर रन ऑफ, यहां पे पानी का रन ऑफ क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम, यहाँ पे पानी का रन ऑफ क्या होगा, यहाँ पे आपका कम होने वाला है, यानी कि पानी हमारा बह के यहाँ पे नहीं जाएगा, मिट्टी जो हमारी होगी उसको क्या करेगी, पानी को होल्ड करके अपने पास रखेगी, तो रन ऑफ यहाँ पे कम होने वाला है। अगर रन ऑफ कम होने वाला है तो यहाँ पे सॉइल इरोजन भी क्या होगा हमारा, यहाँ पे कम होगा, क्या होगा, सॉइल इरोजन भी हमारा यहाँ पे कम होने वाला है अगर हम बात करते हैं क्ले सॉइल की। किसकी बात करते हैं, अगर हम क्ले सॉइल की बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे लोमी सॉइल की। किसकी बात करेंगे, हम लोमी सॉइल की बात करेंगे। देखिए अगर लोमी सॉइल की बात करें तो यहाँ पे मीडियम टाइप के आपके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं आपके, मीडियम टाइप के आपके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम इन मीडियम टाइप के सॉइल पार्टिकल्स की बात करते हैं तो लेस सरफेस एरिया होता है वाटर को, पानी को अकुमुलेट करने के लिए, पानी को अकुमुलेट करने के लिए क्या है, इनके पास बहुत कम सरफेस एरिया होता है। ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, होल्ड लेस वाटर देन क्ले, क्ले सॉइल से कम पानी को होल्ड कर पाते हैं। तो यहाँ पे मीडियम टाइप का आपको रन अप भी देखने को मिलेगा, यानी कि पानी बहेगा थोड़ा सा, यहाँ पे सॉइल इरोजन होने के भी यहाँ पे चांसेस आपके होंगे लोमी सॉइल में। अगर हम बात करते हैं सैंडी सॉइल की, किसकी बात करते हैं, अगर हम सैंडी सॉइल की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। अब बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स होंगे तो बीच में यहाँ पे पानी हमारा क्या होगा, बह के जाएगा, ठीक है। यानी कि स्मॉल एरिया, सरफेस एरिया होगा पानी को एक्यूमुलेट करने का, ये पानी को एक्यूमुलेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे वॉटर हमारा होल्ड नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, सबसे कम जो है सैंडी सॉइल की होती है वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर हम बात करें क्ले सॉइल की बात करें तो क्ले सॉइल में सबसे ज्यादा वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और यहाँ पे पानी अगर कम हमारा होल्ड होता है, पानी अगर होल्ड नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे हाईएस्ट वॉटर रन अप भी होगा, हमारा पानी जो यहाँ पे बह के चला जाएगा, बह के जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सॉइल इरोजन होने के भी यहाँ पे 100% चांस होंगे कि यहाँ पे हमारा इस कंडीशन पे क्या होगा, सैंडी सॉइल में सॉइल इरोजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर हम सैंडी सॉइल की बात करते हैं। चलिए हमने इतना यहाँ पे देख लिया, देखो हमने क्ले सॉइल की बात की, हमने जो लोमी सॉइल की बात की, हमने सैंडी सॉइल की बात की। क्ले सॉइल की वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, सैंडी सॉइल की क्या होती है, वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी कम होती है, ये आपको हमेशा के लिए यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हम आते हैं वहीं पे जहां पे हम पहले थे। अब देखो हमने बात की, हमने किसकी बात की, हमने बात की यहां पे, अभी तक हमने किसकी बात की, हम जो है वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी पोरोसिटी, क्या है, पोरोसिटी। अब मैंने आप सभी को बताया कि सॉइल के जो पोर्स है वो क्या होगी, पोरोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी आपकी पोरोसिटी भी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स हमारे क्या होंगे यहाँ पे, इंक्रीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट आपका जो है मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मॉइस्चर भी क्या होगा यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा, क्या होगा आपका मॉइस्चर यहाँ पे आपको इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम क्या करते हैं बात, अगर हम टिलेज करते हैं तो मॉइस्चर भी क्या होगा हमारा इंक्रीज यहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। अगर हम बल्क डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, बल्क डेंसिटी की बात करें, बल्क डेंसिटी इज दी प्रॉपर्टी ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी की बात करें, हम टिलेज करते हैं तो बल्क डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टिलेज करने से बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हमारी हो जाएगी। यानी कि बल्क डेंसिटी का मतलब क्या है, मास, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम आपकी बल्क डेंसिटी कहलाती है। बल्क डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बल्क डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं, क्या करते हैं, टिलेज करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारी बल्क डेंसिटी है उसमें भी क्या पड़ेगा हमारा, डिक्रीज वो हो जाएगी, ठीक है। ये हमने चार पॉइंट पढ़ लिए। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पांचवी, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। अब इसके बाद देखो अगर हम नेक्स्ट बात करें, हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, किसकी बात करेंगे, हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टिलेज का, तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज हमारी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि टेम्परेचर अगर आपका, हम क्या करते हैं टिलेज करते हैं ना, टिलेज प्रोइंग करेंगे तो क्या होगी, सॉइल हमारी ज्यादा जल्दी से ठंडी हो जाएगी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की, कौन सी, सॉइल कलर है। अगर हम सॉइल कलर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सॉइल कलर की बात करते हैं, क्या हमारा टिलेज से सॉइल कलर चेंज होगा, यस और नो, क्या टिलेज करने से सॉइल के कलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमारा सॉइल का कलर चेंज होगा, यस और नो, चेंज होगा नहीं होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम सॉइल कलर की बात करते हैं, आएंगे मुद्दे पे आएंगे, देखो सॉइल में क्या होता है आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर की बात करूं, अगर ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, अगर ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी हमारी सॉइल पे क्या है, ज्यादा है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी सॉइल है उसका कलर कैसा हो जाएगा, वो हमारी डार्क कलर की हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, डार्क कलर की हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, डार्क कलर की सॉइल हमारी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम टिलेज करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम जो है टिलेज करते हैं, टिलेज करते हैं तो यहां पे क्या होगा कि जो मेरी डार्क सॉइल है,
टिलेज करते हैं तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई सॉइल में हो जाएगी, क्या होगी आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की सप्लाई से क्या फर्क पड़ेगा सॉइल में, जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया है, क्या है, जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एरोबिक बैक्टीरिया, क्या हो जाएंगे हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया के इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है हमारा सॉइल में, जो हमारा ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर था, ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, क्या करेंगे इसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, ये डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर अगर हमारा डिकम्पोज हो जाए तो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पे क्या था, ये ज्यादा था, तो ऑर्गेनिक मैटर हमारा सॉइल पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर अगर हमारा कम हो जाए तो सॉइल हमारी डायरेक्ट से कैसे हो जाएगी, फेड हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, फेड हो जाएगी। यानी कि यहां पे देखने को क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम टिलेज करते हैं तो सॉइल का कलर भी हमारा क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, सॉइल का कलर हमारा चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट से हमारा फेड कलर हो जाएगा अगर हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं तो। इसमें भी क्या होगा आपका, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, चेंज यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिलेज, टिलेज के हम टाइप्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हम टिलेज की टाइप्स की बात करते हैं तो आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है कि टिलेज के हमारे मेनली दो टाइप हैं, क्या है, दो टाइप है, कौन कौन से हैं, दो टाइप कौन कौन से हैं। एक आपका जो है प्रेपरेटरी टिलेज, यहाँ पे लिखा है पी आर ई पी ए आर ए टी ओ आर ओ, प्रेपरेटरी टिलेज। सेकेंड हमारा जो है आफ्टर टिलेज, क्या है, आफ्टर टिलेज। देखिए अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये बोर्ड पूरा क्यों नहीं आ रहा है, हाँ यस बहुत बढ़िया। देखो यहां पे ध्यान से समझो, हमने टिलेज के दो टाइप्स के बारे में पढ़ा, एक कौन सा, प्रेपरेटरी, दूसरा है आफ्टर कल्टीवेशन। दोनों टाइप्स का यहां पे देख लो। देखिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई फील्ड नहीं है, क्या है, कोई भी फील्ड है मेरे पास, ये अगर मैं इस फील्ड की बात करता हूं, यहां पे मैंने कोई भी क्रॉप को मैं यहां पे कल्टीवेट कर रहा हूं, मैंने कोई भी क्रॉप यहां पे कल्टीवेट किया एक्स वाई जेड, ठीक है, मान के चलो व्हीट मैंने गेहूं यहां पे लगाया था। अब मेरी क्रॉप मेरी क्या हो गई है, राइप हो गई है, पक गई है। राइप होने पे क्या करूंगा मैं इस क्रॉप को, हार्वेस्टिंग करूंगा, क्या करूंगा, हार्वेस्टिंग करूंगा इसकी। अब हार्वेस्टिंग के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्रॉप मैंने लगानी है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, जो भी यहां पे क्रॉप रेसिड्यूज होंगे या फिर कोई बीड्स मेरे होंगे, उनको मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरी सॉइल कैसे की, बहुत हार्ड होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हार्ड से क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको लूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हार्ड सॉइल को लूज करना पड़ेगा, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग बोलते हैं। प्लोइंग किसकी हेल्प से करते हैं, प्लो की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लो भी यहां पे यूज करते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे क्लॉड्स को ब्रेक करना है, जो क्लॉड्स होंगे, क्लॉड्स को ब्रेक करना है, फिर मुझे क्या करना है, लेबलिंग करनी है, लेबल करना है सॉइल को, लेबलर की हेल्प से करूंगा, फिर मुझे क्या करना है, मुझे सीड बेड बनाने हैं, ठीक है। सीड बेड के बाद क्या करूंगा मैं, शोइंग, शोइंग ऑफ सीड, बुआई करूंगा। यहां से लेकर हार्वेस्टिंग के बाद जो भी काम ये यहां तक शोइंग तक हुआ, ये कहलाएगा का प्रेपरेटरी टिलेज, क्या कहलाएगा, प्रेपरेटरी टिलेज। अब इसके बाद हमने बीज को बीज दिया, बीज हमारा जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेशन के बाद कई बार होता है कि आप जो है बीज, फिर से घास लग जाता है, उसको हमने हटाना हो
यानी कि जो भी हम स्टैंडिंग क्रॉप है, जो भी इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, वो किस में आ जाता है हमारा? आफ्टर कल्टीवेशन में आ जाता है। किस में आता है? आफ्टर कल्टीवेशन में। दोनों टाइप्स के बारे में पता आप सभी को लग चुका है। क्या हो गया आपको? पता आपको लग चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, हमने यहाँ पे प्रेपरेटरी टिलेज की बात की, हमने यहाँ पे आफ्टर कल्टीवेशन की बात की। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारी प्रेपरेटरी टिलेज है, ठीक है, इसके कौन कौन से टाइप है? तो प्रेपरेटरी टिलेज हमारी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी टिलेज, एक सेकेंडरी टिलेज। कौन कौन सी है? एक हमारी प्राइमरी टिलेज है, एक है सेकेंडरी टिलेज। देखिए यहाँ पे देखो, प्रेपरेटरी के बारे में पहले देख लो, टिलेज ऑपरेशंस व्हिच आर कैरिड आउट फ्रॉम द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जैसे हमने कर दी, हार्वेस्टिंग के बाद में जो प्रीवियस क्रॉप हमारी थी उसमें जो हमने हार्वेस्टिंग कर दी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? प्रेपरेटरी टिलेज उसको कहा जाएगा, या फिर हम प्रेपरेटरी कल्टीवेशन उसको कहेंगे। प्रेपरेटरी टिलेज या फिर प्रेपरेटरी कल्टीवेशन उसको कहा जाएगा, ठीक है। अगर हम प्रेपरेटरी टिलेज की बात करें, दो तरह की होती है, एक प्राइमरी टिलेज, एक हमारी क्या होती है? सेकेंडरी टिलेज। अगर हम प्राइमरी टिलेज की बात करते हैं, प्राइमरी टिलेज हम क्या करते हैं? प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग किसकी सहायता से की जाती है? प्लो की सहायता से की जाती है। किसके साथ? प्लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लो यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है, प्लोइंग के लिए। अब प्लोइंग की क्या, प्लोइंग से हम क्या करेंगे? कटिंग करेंगे, इन्वर्टिंग करेंगे सॉइल को, हम इन्वर्ट करेंगे ना कि पलटेंगे सॉइल को। सॉइल को यहाँ पे प्लो से, प्लोइंग से क्या करेंगे? पलटा जाएगा, पलटना, सॉइल को पलटना। फिर हम सेकेंडरी टिलेज करेंगे। सेकेंडरी टिलेज में क्या करेंगे? क्लॉड्स, हमारे कुछ ढेले मिट्टी में होंगे, उनको हमें क्रश करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। सेकेंडरी टिलेज में तोड़ेंगे हम, जमीन को लेबल करेंगे, उबड़ खाबड़ हमारी जमीन ऊपर नीचे होगी तो हमें उसको लेबल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें मैन्योर मिक्स करने हैं, हमने फर्टिलाइजर मिक्स करने हैं, और उसके बाद हमने बेड प्रेपरेशन करनी है। बेड प्रेपरेशन हमारी सेकेंडरी में आ जाएगी, ठीक है। बेड प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, रोज जोन बनानी है, रोज बनानी है, ठीक है, ये सारी चीजें लाइनें बनानी है, तो हमारी सेकेंडरी टिलेज में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? सेकेंडरी टिलेज में आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये अराइज यहाँ पे होता है कि हम अगर बात करते हैं प्राइमरी टिलेज की या फिर सेकेंडरी की, तो यहाँ पे कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से इंप्लीमेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। हमेशा ध्यान रखना भाई, हमेशा ध्यान रखना कि प्राइमरी टिलेज हम क्या करते हैं? प्लो का यूज करते हैं, प्लो का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सेकेंडरी टिलेज की बात करते हैं, सेकेंडरी टिलेज में क्या किया जाता है? ऑल द टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स आर यूज्ड इन सेकेंडरी टिलेज। ये लाइन लिख लो, ऑल टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स आर यूज्ड इन सेकेंडरी टिलेज एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक्सेप्ट प्लो। प्लो को छोड़ के जितने भी टूल्स और इंप्लीमेंट है वो हम सेकेंडरी टिलेज पे यूज करते हैं, और प्लो का हम जो है इस्तेमाल नहीं करते। कहां पे? सेकेंडरी टिलेज में। ये कान खोल के ये बात अपने दिमाग पर डाल देना, अभी से क्वेश्चन आते हैं फिर बाद में आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राइमरी टिलेज को, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा कि यहाँ पे ओनली प्राइमरी टिलेज में हम क्या करेंगे। प्राइमरी टिलेज में ध्यान रखना कि ना कोई लेबलिंग की जाएगी, ना हम कोई क्लाउड्स को रिमूव करेंगे, हम जो है सॉयल को यहाँ पे पलटने की कोशिश करेंगे। जैसे ये सॉयल है ना मेरी, इस सॉयल को क्या कर रहा है यहाँ पे? हम पलट रहे हैं, ओनली पलट रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं। आपकी प्लोइंग की जाएगी प्राइमरी में, ठीक है। इन प्रेपरेटरी टिलेज द फर्स्ट कटिंग, सबसे पहले क्या किया जाएगा? कट किया जाएगा सॉइल को, इन्वर्ट पलटा जाएगा, ठीक है, सॉइल को आफ्टर द हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्राइमरी टिलेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितनी डेप्थ में हम प्लोइंग करते हैं? 10 से 30 सेंटीमीटर की डेप्थ में यहाँ पे प्लोइंग आपकी की जाएगी। इट मे बी डन वंस, या कि एक बार भी हो सकती है साल में, दो बार भी, हम तीन बार भी एक साल में करते हैं प्राइमरी टिलेज, ठीक है। प्राइमरी टिलेज इंक्लूड्स प्लोइंग इन विच द सॉइल इज कट, लिफ्टेड, स्टेटर्ड, ट्विस्टेड एंड इन्वर्टेड फॉर फर्दर प्रेपरेशन। आगे की जो प्रेपरेशन हमने करनी है, लार्ज सॉइल क्लॉड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज हम जब करते हैं तो बड़े बड़े हमारे क्लॉड्स यहाँ पे हो जाते हैं, और ये क्लॉड्स हम जब प्राइमरी टिलेज पे कभी भी इनको ब्रेक नहीं करते हैं, इनको हम ब्रेक करते हैं कहां पे? सेकेंडरी टिलेज में इनको ब्रेक किया जाता है। कहां पे किया जाता है? सेकेंडरी टिलेज में जो है इनको ब्रेक किया जाता है। ये भी आप सभी को अपने कान पे ध्यान से सुनना है और बिल्कुल आपको इंप्लीमेंट करना है। सेकेंडरी टिलेज की बात करना चाहेंगे,
सेकेंडरी टिलेज पे क्या किया जाएगा, देखो यहाँ पे क्लॉड हमने बिल्कुल ब्रेक कर दिए सेकेंडरी टिलेज में और लेबलिंग करेंगे। यदि टिलेज ऑपरेशंस आर डन आफ्टर प्राइमरी टिलेज के बाद, प्राइमरी टिलेज के बाद जो हम ऑपरेशन करते हैं वो किसमें आ जाएगा, सेकेंडरी टिलेज में आ जाएगा, टू ब्रिंग ए गुड सॉइल टिल्थ, हमारी सॉइल जो टिल्थ है हमारी अच्छी हो जाए। हम टिल्थ के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन दिस ऑपरेशन दिस सॉइल इज नॉट इन्वर्टेड, यहाँ पे सॉइल को हम इन्वर्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि सॉइल को हमने इन्वर्ट कहां पे किया, हमने प्राइमरी टिलेज पे किया, सेकेंडरी पे हम सॉइल को इन्वर्ट नहीं करेंगे। स्टिल द इंस्टिंक्ट ऑफ द स्टेयर्ड बाय ब्रेकिंग क्लॉड्स, यहाँ पे जो है क्लॉड्स को हम ब्रेक करेंगे, क्रस्ट करेंगे, अपरूटिंग एंड रिमूविंग बीड्स, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे कुछ क्या होंगे, जब हमने हल लगाया होगा हल से हमारे कुछ घास वगैरह उसके साथ होंगे, तो उस घास को हम जो यहाँ से निकालेंगे सेकेंडरी टिलेज में, और मैन्योर और फर्टिलाइजर हम अप्लाई करेंगे और लेबलिंग भी करेंगे और रिज भी बनाएंगे, फॉरो भी बनाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिज की, जैसे हमने बेड बनाने ना बेड, ठीक है, बेड की ये हाइट है, इसको बोलते हैं रिज, इसको बोलते हैं फॉरो, जहां पे हम चलते हैं ये रिज है, ये फॉरो है, रिज एंड फॉरो, रिज एंड फॉरो, ठीक है, रिज एंड फॉरो ये हम बनाएंगे किसके लिए, एंड इरिगेशन ड्रेनेज चैनल हम बनाएंगे फील्ड में, ठीक है, और जिससे जो है सॉइल मॉइस्चर हमारा कंजर्व रहे, और ये सारी चीज हम सॉइल में करने वाले हैं सेकेंडरी में, और सीड जर्मिनेशन के लिए हम सीड बेड भी बनाएंगे, ठीक है, और रो जोन भी बनाएंगे किसमें, सेकेंडरी टिलेज में, ठीक है। सीड बेड प्रेपरेशन की बात करते हैं, सीड बेड प्रेपरेशन भी क्या आ जाएगा, सेकेंडरी टिलेज में हम सीड बेड को बनाएंगे, जैसे यहाँ पे आके सीड बेड बनाएंगे, ठीक है। सीड बेड की बात करते हैं, आफ्टर प्रेपरेटरी टिलेज, प्रेपरेटरी टिलेज के बाद क्या होता है कि आपकी जो लैंड होती है क्या होती है, प्रॉपरली आपकी जो है उसमें प्रॉपरली फॉर इरिगेटिंग क्रॉप, इफ इरिगेशन इज अवेलेबल, अगर हमारे पास इरिगेशन अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, हम सीड बेड बनाएंगे। और सीड बेड के हमने पहले हमने बता दिया, इससे पहले का जो लेक्चर लिया उसमें हमने सीड बेड के बारे में बताया कि सीड बेड कैसे बनाए जाते हैं, ठीक, कितने टाइप के सीड बेड होते हैं एक बार देख लेना जाके, अपनी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। सीड बेड की अगर बात करते हैं तो सीड बेड प्रेपरेशन हम हैरोइंग करते हैं, हम प्रेपरेशन ऑफ इरिगेशन लेआउट, इरिगेशन लेआउट बनाते हैं, रिज बनाते हैं, फॉरो बनाते हैं, ये क्या रिज है, ये फॉरो है, ये रिज है, ये फॉरो है, ठीक है, ये बनाएंगे फ्लैट बेड, ठीक है, और शोइंग करेंगे हम, कवरिंग करेंगे सीड्स की, सीड्स को सॉइल से कवर कर देंगे। फिर हम बात करेंगे प्रेपरेटरी टिलेज के, हमने प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज पढ़ लिया, सेकेंड टाइप हमारा क्या टिलेज का हुआ है, आफ्टर कल्टीवेशन, यानी कि आफ्टर कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, इंटर टिलेज भी बोल सकते हैं, और इंटर कल्टीवेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, ये इसके अलग अलग नाम है इसके। जैसे यहाँ पे देखो कल्टीवेशन, हमने बीज को बीज दिया, उसके बाद भी कई बार बीच में फील्ड में घास आ जाए तो उसको हमने रिमूव करना हो, तो हम जो आफ्टर कल्टीवेशन के द्वारा इसको रिमूव कर सकते हैं। कि टिलेज ऑपरेशंस व्हिच आर कैरिड आउट इन स्टैंडिंग क्रॉप, हम जो टिलेज ऑपरेशन कहां करते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप पे करते हैं, जो हमारे स्टैंड क्रॉप है, इसमें थिनिंग करते हैं, गैप फिलिंग करते हैं, बीडिंग करते हैं, होइंग करते हैं, टॉप ड्रेसिंग करते हैं फर्टिलाइजर की, और हम अर्थिंग अप करते हैं, क्या करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं। अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है, जैसे हम पोटैटो की बात कर रहे हैं, पोटैटो में अर्थिंग अप की जाती है, ठीक है, पोटैटो में अर्थिंग अप की जाती है, ठीक है, यानी कि मिट्टी को, ये पोटैटो है, यहाँ पे घेरा जाएगा ऊपर बाद में, ठीक है, जब आपका टोमेटो हो जाएगा, ठीक है, घेरा जाएगा इस तरह से। शुगर केन में की जाती है, कहाँ पे, शुगर केन में, कहाँ पे, शुगर केन में, पोटैटो में की जाती है, शुगर केन, पोटैटो में क्यों करते हैं, ताकि जो आपकी सनलाइट है, सनलाइट डायरेक्ट आपके जो है, जो आपके पोटैटो ट्यूबर है उस पर ना पड़े, ताकि अगर हमारी सनलाइट उसके कॉन्टेक्ट में आती है तो पोटैटो, आप सभी को पता है कि आपका पोटैटो ग्रीन कलर का हो जाता है, हरे कलर का, जो कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है पोटैटो का। शुगर केन में क्यों करते हैं अर्थिंग अप, शुगर केन में इसलिए अर्थिंग अप करते हैं, आप सभी को पता है कि शुगर केन की अगर बात करें, बहुत तो आपका टॉल प्लांट है, बहुत लंबा प्लांट होता है, हवा अगर आ जाए तो वो गिर जाता है, टूट जाता है, तो वहां पर हमें अर्थिंग अप करनी पड़ती है, ठीक है। ये अर्थिंग अप कहां पे की जाती है, आपकी आफ्टर कल्टीवेशन, यानी कि इंटरकल्चर ऑपरेशंस, इंटर टिलेज और इंटर कल्टीवेशन में। अब हमारे कुछ मॉडर्न कंसेप्ट है टिलेज के, क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट है टिलेज के, ये हम देखेंगे। देखिए अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करते हैं, किसकी, टिलेज की, मेन एम क्या है मॉडर्न कंसेप्ट का, वो पहले देख लो, क्या उद्देश्य है मॉडर्न कंसेप्ट का। मॉडर्न कंसेप्ट का मेन उद्देश्य है कि हमने क्या करना है, मिनिमाइज, कम से कम करना है कल्टीवेशन के लिए जो कॉस्ट हमारी लगेगी, यानी कि हमने कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट करना है उसमें जो खर्चा पर्चा है ना वो कम से कम हो, उसको मैंने मिनिमाइज करना है, ये हमारा मेन उद्देश्य है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज का, ठीक है। हमने कम क्या करना है, टिलेज ऑपरेशन को हमने कम से कम करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है, जितनी हमें जरूरत है हमें उतनी ही जो है, जितनी नेसेसरी है हमारे लिए टिलेज उतनी ही करनी है, उसके अलावा हमने उससे ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। अब मॉडर्न कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसमें हमने तीन तरह से हमने डिवाइड किया टिलेज को,
एक हमारी मिनिमम टीलेज है, सेकंड हमारी जीरो टीलेज है, थर्ड हमारी स्टबल मल्च टीलेज है। क्या है? मिनिमम टीलेज, जीरो टीलेज, स्टबल मल्च टीलेज, ठीक है। तीनों अलग अलग टाइप है, इनको तीनों को हम अच्छे से देखेंगे। मिनिमम टीलेज क्या है, जीरो टीलेज क्या है, स्टबल मल्च टीलेज क्या होता है, ठीक है, तीनों के बारे में जो है बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे पढ़ा जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं मिनिमम टीलेज की बात करते हैं, अगर हम मिनिमम टीलेज की बात करते हैं, यहां पे क्या होगा मिनिमम टीलेज में, यहां पे देखो प्राइमरी टीलेज तो की जाएगी। प्राइमरी टीलेज मतलब प्लोइंग, यहां पे प्लोइंग तो हम करेंगे ही करेंगे, प्लोइंग तो की ही जाएगी, और यहां पे जो सेकेंडरी टीलेज है वो हम रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। सेकेंडरी टीलेज हम कम कर देंगे, यानी कि वन स्टार्ट ऑफ टू हैरोइंग एटसेट्रा, दो हैरोइंग के बदले हम एक ही हैरोइंग कर देंगे। और सीड बेड प्रेपरेशन की बात करें, रिड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग एग्रीथ्रोप्लास्ट्स, यहां पे हम सीड बेड को भी रिड्यूस करेंगे, कम से कम करेंगे। अगर हम जीरो टीलेज की बात करते हैं, जीरो टीलेज में नो प्राइमरी नो सेकेंडरी, यहां पे ना प्राइमरी टीलेज की जाती है, यहां पे ओनली सेकेंडरी टीलेज तो अवॉइड की जाती है, लेकिन सेकेंडरी टीलेज हम क्या करते हैं, रो जोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रो जोन आपकी यहां पे बनाई जाती है आपकी इसमें जीरो टीलेज में। मिनिमम में प्राइमरी टीलेज यानी कि प्लोइंग की जाएगी, लेकिन सेकेंडरी टीलेज को रिड्यूस किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, हम जीरो टीलेज की बात करते हैं, यहां पे क्या किया जाएगा आपका जो है जीरो टीलेज में प्राइमरी टीलेज को अवॉइड, यानी कि यहां पे कोई प्लोइंग नहीं की जाएगी, डायरेक्ट यहां पे सीधा ना सीड बेड बनाया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, यहां पे डायरेक्ट रो यानी कि आपकी सीधी जो है क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए रो बनाई जाएगी। जैसे कि ये रो है, ये रो है, ये रो है, हमने ये रो खोदनी है, इस रो पे हमने बीज को बीजना है, और फिर हमने जो है सॉयल को जो है सॉइल से बीज को हमने कवर कर लेना है, बाकी हमने ये जगह बिल्कुल भी छेड़नी ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं जीरो टीलेज। क्या बोलते हैं? जीरो टीलेज। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है हमने कम से कम जो टीलेज को करना है, ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम लगे। थर्ड टाइप हमारा मॉडर्न कंसेप्ट का स्टबल मल्च टीलेज। स्टबल मल्च की बात करते हैं, इसके बारे में मल्चिंग के बारे में अलग से मैं लेक्चर लेके भी आऊंगा। अगर हम मल्च की बात करते हैं, मल्चिंग क्या, मल्चिंग होता क्या है, जो भी हमारे रेसिड्यूज होंगे होंगे पिछली क्रॉप के रेसिड्यूज होंगे, या फिर कोई भी आपके जो है मटेरियल होगा, ठीक है, तो उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, क्रॉप जो हमारी फील्ड है उस फील्ड के ऊपर हम जो है अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा मॉइस्चर भी कंटेन रहेगा, मॉइस्चर हमारा सॉइल पे बना रहेगा, ठीक है, इवेपोरेशन हमारा कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा, मल्चिंग से हमारा जो है मॉइस्चर बना रहेगा, और उससे क्या होगा, हमारी जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल के जो पोर्स हमारे अच्छे होंगे, और साथ में क्या होगा, हमारी जो सॉइल है लूज रहेगी, क्या रहेगी, लूज रहेगी। तो वहां पे हमें क्या होगा, कम से कम हमें टीलेज करने के लिए हमें कम से कम वहां पे रिड्यूस हमारी टीलेज वहां पे हो जाएगी, टीलेज क्या होगी हमारी, रिड्यूस हो जाएगी अगर हम स्टबल मल्च टीलेज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टूल्स और इंप्लीमेंट्स हम टीलेज ऑपरेशन में कौन कौन से यूज करते हैं। अगर हम टूल्स की बात करें, हम इंप्लीमेंट की बात करें, तो हम प्लोइंग के लिए क्या करते हैं, एमबी प्लो को यूज करते हैं, हम चिसल प्लो करते हैं, देसी प्लो करते हैं, डिस्क प्लो करते हैं, सब सॉयल प्लो करते हैं यूज। अगर हम क्लाउड क्रशिंग करके बात करते हैं, हमने क्लाउड्स को हमने क्रश करना ब्रेक करना हो, तो हम क्या करेंगे, नॉर्विगन हैरो करेंगे, प्लांक का हम यूज करेंगे। लैंड को हमने लेबल करना हो, लेबलिंग करनी हो, तो हम बुलडोजर का यूज करते हैं, कैनी का, प्लांक, लेबलर का हम यूज करते हैं। अगर हमने मैन्योर को मिक्स करना हो, तो हम क्या करेंगे, मैनुअली हम करते हैं, हाथ से करते हैं, डिस्क हैरो का यूज करते हैं, कंट्री प्लो का करते हैं, कल्टीवेटर का यहाँ पे यूज किया जाता है किसके लिए, और मैन्योर को मिक्स करने के लिए। हमने हैरोइंग करनी हो, तो ब्लेड हैरो का हम यूज करते हैं और डिस्क हैरो का हम यूज करते हैं। हमने इरिगेशन के लेआउट बनाने हो, तो इरिगेशन के लेआउट बनाने के लिए हम रिजर का यूज करते हैं, हम बंड फॉर्मर का यूज करते हैं, हम ब्लेड हैरो का यूज करते हैं। अगर हमने इंटर टीलेज करनी हो, तो इंटर टीलेज के हम जो है बीडिंग हुक का यूज करते हैं, खुरपी जिसको बोलते हैं, हो करते हैं, जापानीज हो का हम यूज करते हैं। हमने हार्वेस्टिंग करनी हो, कंबाइन हार्वेस्टर का हम जो है यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। चलिए अब यहाँ पे टिल्थ के कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि टिल्थ क्या है। देखो हमने अभी तक टीलेज पढ़ लिया कि टीलेज है क्या। अब देखो टीलेज से जो हमारा चेंज होगा, टीलेज को करने से क्या चेंज हो रहा है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, तो उसको बोलते हैं टिल्थ। क्या बोलते हैं? टिल्थ बोलते हैं, यानी कि इट इज द फिजिकल कंडीशन। ये क्या है? सॉइल की फिजिकल कंडीशन है, जो कि टीलेज को करने से जो रिजल्ट हमें, सॉइल की फिजिकल कंडीशन जो हमारी चेंज होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे टीलेज बोलेंगे, ठीक है। अगर हमने टीलेज को, हमारी अच्छी टीलेज के लिए आपका क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑफ गुड टिल्थ, यानी कि हमारी टिल्थ अगर अच्छी हो, तो उसको अच्छा होने के लिए जो है हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट है, इट शुड हैव हायर परसेंटेज ऑफ लार्जर एग्रीगेट्स। देखिए ध्यान दीजिए,
अगर हम इरिगेटेड फार्मिंग की बात करते हैं, इरिगेटेड फार्मिंग का मतलब क्या है? ऐसी फार्मिंग जहां पे ऐसा एरिया, कोई ऐसा एरिया जहां पे जो पूरा पूरा एरिया किसके ऊपर डिपेंड है, सिंचाई, मतलब जहां पे हम सिंचाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंचाई की जाती है, ठीक है। सिंचाई वाले एरिया में जो सॉइल के जो एग्रीगेट हमारे हैं उनका जो डायमीटर है 5 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, तो हमारी क्या होगी, वो हमारी अच्छी टिल्थ मानी जाएगी सॉइल की। अगर आप जो है ड्राईलैंड फार्मिंग की बात करें, यानी कि एक ऐसा एरिया जो पूरा पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, बारिश के ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, बारिश के ऊपर। अगर बारिश होगी तभी वहां पे खेती होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो वहां पे खेती नहीं होगी। तो ऐसे एरिया में जो है एग्रीगेट जो सॉइल के हैं वो 1 से 2 मिलीमीटर डायमीटर उनका होना चाहिए, तो अच्छी टिल्थ आपकी मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गुड सॉइल टिल्थ शुड बी प्रोपोरस, आपकी पोरस यानी कि पोर उसमें होने चाहिए, हैज फ्री ड्राइनेस, ड्राइनेस ड्राइनेज उसमें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। माइक्रोपोर्स, अगर हम माइक्रोपोर्स की बात करते हैं जिसमें क्या है आपका, माइक्रोपोर में क्या होता है, वाटर आपका होता है। अगर हम मैक्रोपोर की बात करते हैं इसमें क्या होता है, आपकी एयर होती है, ठीक है। ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन पे होने चाहिए, जितने माइक्रोपोर है उतने हमारे क्या होने चाहिए, मैक्रोपोर भी होने चाहिए। माइक्रो एंड मैक्रोपोर का सॉइल में इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए, अगर हमारा मैक्रो एंड माइक्रोपोर का इक्वल प्रोपोर्शन है तो आपकी अच्छी टिल्थ आपकी सॉइल की मानी जाएगी। दिस सॉइल पार्टिकल्स शुड नॉट बी इजिली इरोडेड बाय वाटर एंड विंड, सॉइल के पार्टिकल हमारे पानी के साथ और विंड हवा के साथ में उनका जो बहाव नहीं होना चाहिए, इरोजन उनका नहीं होना चाहिए, अपरदन उनका जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉइल के पार्टिकल्स का, सॉइल शुड नॉट बी स्टिकी व्हेन मॉइस्ट, ठीक है। सॉइल शुड परमिट इजी इनफिल्ट्रेशन ऑफ वॉटर, ठीक है। अब मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, किसकी, हम सॉइल टिल्थ को कैसे मेजर करेंगे। पहला मेथड मेजरमेंट का है फील एंड अपीयरेंस मेथड, हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सेकंड मेथड की बात करते हैं, सेकंड मेथड क्या है, पोर स्पेस कंटेंट, हमने पोर स्पेस कंटेंट हमने चेक करना है, जो हमारा पोर स्पेस है। माइक्रो पोर की बात करते हैं, मैक्रो पोर की बात करते हैं। माइक्रो में क्या होता है, आपका पानी होता है, मैक्रो में आपकी एयर पाई जाती है, ठीक है। अगर हम पोर स्पेस की बात करते हैं, ये पोर स्पेस माइक्रो एंड मैक्रो पोर जो है हमारे इक्वल होने चाहिए, इक्वल मतलब दोनों में दोनों होने चाहिए, ठीक है। और हमें थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है मेजर करने के लिए, कि आपके जो सॉइल के जो एग्रीगेट्स है ना उनका साइज आपका बेस्ट होना चाहिए, यानी कि 1 से 6 मिलीमीटर आपका साइज होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इरिगेटेड फार्मिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम इरिगेटेड फार्मिंग की बात करते हैं तो इरिगेटेड फार्मिंग के लिए जो आपका एग्रीगेट का साइज कितना बताया था, कितना बताया था, ठीक है, अप टू मोर देन 5 मिलीमीटर से ज्यादा सॉइल एग्रीगेट का साइज होना चाहिए। अगर जो है ड्राईलैंड फार्मिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्राईलैंड फार्मिंग कर रहे हैं, ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए क्या होना चाहिए आपका जो है 1 से 2 मिलीमीटर क्या होना चाहिए एग्रीगेट का साइज होना चाहिए, 1 to 2 मिलीमीटर आपका एग्रीगेट का साइज होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, कंप्लीट ये आज का लेक्चर हो गया, जहां हमने टिलेज के बारे में डिटेल में पढ़ा, टिल्थ के बारे में पढ़ा, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने, टाइप्स पढ़े हमने, टिल्थ क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है टिल्थ के, टिल्थ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं ये हमने डिटेल में पढ़ा, और टिलेज से क्या हमारा सॉइल में चेंज होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज होगा वो हमने पढ़ा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका रहने वाला है, ठीक है। आपको बिल्कुल इसी तरह से नोट्स बनाने हैं और कंसेप्ट को ध्यान से आपको जो देखना है, बाकी प्लेलिस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलती जाएगी, ठीक। कल भी आपको एग्रोनॉमी की नेक्स्ट क्लास मिलेगी, जो कि आपको जो है शाम को ठीक 9 PM पे मिलनी है, इसी चैनल पे, सेम चैनल पे। बाकी नोट्स के लिए क्या करें, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं, इंस्पायरिंग एग्रीकॉन के नाम से जो है आपका टेलीग्राम है, क्या है, इंस्पायरिंग एग्रीकॉन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पे आपको चले जाना है, नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर पूरा बैच चाहिए BSc एग्रीकल्चर तो इंस्पायरिंग एग्रीकॉन आपको ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, गुड नाइट स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद आपसे।